महाबली आदरणीय ज्ञानी ध्यानी गोपालक राज राजेश्वर राव श्रीमान सरकार बालाजी बाजीराव पेशवा श्री माधव राव के साथ दरबार में पधार रहे हैं। सदाशिरो भाऊ और विश्वास राव को गए 10 महीने से ऊपर हो गए। दिल्ली की फतेह के बाद कोई खबर नहीं आई। माना के समाचार आने में देर लगती है, लेकिन इतनी नहीं। कोई समाचार ना आने का मतलब है शायद वे परेशानी में हो सकते हैं। परेशानी भी कोई मामूली परेशानी नहीं लगती, वरना समाचार आने में इतना समय नहीं लगता। श्रीमंत, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने निजाम को हराया है और इतना बड़ा लश्कर भी उनके साथ है। सुना है उधर बारिश बहुत हुई है, इसलिए लगता है कि नहीं। श्रीमंत, हमारे घुड़सवार कासिद बहुत से बहुत 1 महीने में यह खबर ला सकते हैं, इसलिए हमें उनकी खबर लेनी चाहिए। पूरा मराठवाड़ा चिंता से बेचैन है, इधर से कासिद भेजना चाहिए। हाँ श्रीमंत, अब और देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि लश्कर लेकर जाना चाहिए। आपने वचन भी दिया था आप लश्कर भेजेंगे, उनके पीछे पीछे जाएंगे। श्रीमंत आज्ञा दें तो मैं एक बड़ी सेना लेकर उत्तरी हिंदुस्तान की ओर कूच करूं। उनकी खोज भी हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर मदद भी। नहीं भाव और विश्वास की खबर लेने हम खुद जाएंगे। हम तो कभी के चले जाते हैं, लेकिन निजाम ना जाने अपना लश्कर लेकर क्यों नहीं आते, जबकि हमने उन्हें खास तौर पर दावत दी थी। हम अपने साथ निजाम अली को और उनके गर्दी लश्कर को ले जाना चाहते हैं, ताकि इब्राहिम खां के हाथ मजबूत हो जाएं। लेकिन हम और इंतजार नहीं करेंगे। 40-50 हजार का लश्कर फौरन तैयार किया जाए।